सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। कुरुक्षेत्र विच किसानां ने मोर्चा कीता खत्म। सरकार ते किसान आगुआं विचाले मंगां नूं लै के बणी सहमति। गिरफ्तार किसानां उत्ते दर्ज होए मुकदमे कीते जाणगे रद्द। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सनअतकारां नूं दित्ते हरे रंग दे स्टैंप पेपर। कहा साडा उद्देश उद्योग अनुकूल माहौल पैदा करके वध तों वध निवेश लैके आउणा। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों पंजाब विजन दस्तावेज 2047 जारी। मान ने दस्तावेज नूं प्रगतिशील अते खुशहाल पंजाब दी रूपरेखा दस्सिया। सूरजमुखी लिए घट्टो घट समर्थन मुल अते होर मंगां नूं लै के हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली विच आयोजित महापंचायत तो बाद किसानां ते सरकार विचाले हुई गलबात सिरे चढ़ गई है, जिस तों बाद किसानां ने मोर्चा खत्म करने का ऐलान किया है ते घरां नूं झाले पा दिते ने। जिला प्रशासन वल्लों डीसी ने किसानां नाल बैठक की ते उन्हां नूं भरोसा दिता है कि गिरफ्तार किए किसान आगू गुरनाम झड़ूनी अते होर किसान जल्द रिहा कर दिए जाएंगे अते उन्हां उत्ते दर्ज केस रद्द किए जाएंगे। इस दे नाल ही भरोसा दिता गया कि सूरजमुखी की फसल की खरीद MSP उत्ते की जाएगी। सरकार अते किसानां विचाले सहमति बनने तो बाद किसानां ने मोर्चा खत्म कर दिता है। किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार ने जो MSP तय की है उस उत्ते ही सूरजमुखी की खरीद की जाए। दस दिए कि पहली बैठक नाकाम होने तो बाद किसानां ने पिपली विखे राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली जम्मू हाईवे उत्ते जाम लगा दिता सी। किसान फ्लाईओवर अते सर्विस रोड बंद करके हाईवे उत्ते हत्थां विच डांगा फड़ के बैठ गए सन। हाईवे उत्ते ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए सन। पुलिस ने जाम कारण वाहनों के रूट मोड़ दिए सन। इस मोर्चे में वख-वख खापां के आगू भारतीय किसान यूनियन के आगू राकेश टिकैत तों इलावा पहलवान बजरंग पूनिया भी पहुंचे सन। देखो जी, किसानों की बहुत वड्डी जित हुई है। तानाशाह सरकार किसानों अगे झुकी है ते किसान झुका के ही हटते। तो बड़ी खुशी की गल है भी साडियां सारियां डिमांडां जिहड़ियां सी पूरियां हो गईयां, जिहदे वास्ते किसान उरे आए सी ते बड़े खुश ने सारे। जिहड़े किसान गिरफ्तार हन वह उन्हां दी रिहाई कल नूं हो जाएगी। तो जिहड़ियां साडियां गड्डियां टुट्टियां उन्हां नूं भी प्रशासन ठीक करा के देगा, जिम्मेवारी SP साहब ने चुकी आ। तो जिहड़े होर मुकदमे दर्ज सी इसे प्रोटेस्ट नूं लै के साहे च ते अपना मोड़े च अंबाले च वह भी वापस लैण दी गल कर ली, वह भी सरकार मन चुकी है। सूरजमुखी का 6400 रुपये रेट मंग रही, 6400 रुपये रेट पूरा सरकार ने देने का वादा करता। सूबे में उद्योगिक विकास को हुलारा देने के उद्देश अहम पहलकदमी करदिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज सूबे के पहले 6 उद्योगपतियों को विलक्षण ग्रीन कलर कोडेड स्टैंप पेपर सौंपे। स्टैंप पेपर सौंपदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे के उद्योगपतियों लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि विलक्षण कलर कोडेड स्टैंप पेपर सूबे में उद्योगिक क्रांति के नवे युग की शुरुआत वाल एक कदम ने। उन्होंने दस्सिया कि इस स्कीम लई नोटिफिकेशन इस साल 12 मई को जारी कर दिया गया सी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पहला सूबा है जिसने उद्यमियों को अपने यूनिट स्थापित करने लई हरे रंग के स्टैंप पेपर जारी किए ने, जिस नाल सूबे के उद्योगिक विकास को हुलारा मिलेगा। साथियों, पिछले दिन ही पंजाब दे विच जिहड़ी इंडस्ट्री है व्यापारी ने जिहड़े उन्हां दी वख-वख दफ्तरां च खज्जल खुआरी जिहड़ी हुंदी सी परमिशनां लैण लई NOCs लैण लई उहनूं रोकण वास्ते एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जिहड़ा देश दे विच हजे किसी सूबे ने इंट्रोड्यूस नहीं कीता सी। पंजाब पहला सूबा है, असीं ग्रीन कलर दा हरे रंग दा जिहड़ा स्टाम है वह स्कीम कढ़ी है कि व्यापारी पहला जमीन देख लूगा, वो जमीन बारे इन्वेस्ट पंजाब के दफ्तर च आके जा पोर्टल ते जाके उन्हें दस दूगा कि आ जमीन है। तो साड़ी जिहड़ी टीम है इन्वेस्ट पंजाब की जिहड़ी CLU की टीम है, पोल्यूशन की टीम है, फायर की टीम है, हाउसिंग की टीम है, फॉरेस्ट की टीम है, वो सारिया टीमों उस जगह पर जाके उन्हूं देख के तो क्लीयर कर देणगियां। तो फिर उस व्यापारी नूं कहा जाऊगा कि हुण तू रजिस्ट्री करवा ला ग्रीन हरे रंग दे स्टाम्प पेपर ते। जिहड़ा तहसीलदार है वह इन्वेस्ट पंजाब दे दफ्तर च ही बैठा है, मतलब कचहरी च भी नहीं जाना पऊगा।
तो एक हरे रंग का जिहड़ा स्टाम है हो सकता महंगा होवे क्योंकि उस इलाके मुताबक सी एल यू की कीमत उस इलाके मुताबक पोल्यूशन की फायर की हाउसिंग की उहदी कीमत सारिया के बिच शामिल होणगियां। सो जदों ये रजिस्ट्री होगी उस तो बाद जिहड़ा व्यापारी अपनी फैक्टरी जिहड़ी है वह अगले दिन तो शुरू कर सकता है, उन्हें किसी होर परमिशन की लोड़ नहीं पैनी। तो मैं अज दसदिया खुशी है कि साडे कोल छे जिहड़े व्यापारी आए ने जिन्होंने पहले छे ग्रीन कलर के स्टैंप पेपर खरीद के खज्जल खुआरी तो जिहड़ा बचण लई अपना उपराला जिहड़ा साडा पंजाब सरकार दा उहदा फायदा उठाया। सो दो डेराबसी तो ने, चार तपे तो ने, ये सारे अज इत्थे सैक्रटेरिएट वाले ऑफिस आए हुए हैं। तो इन्होंने अपने पिन नंबर इन्होंने एक मिल गया, वो कंप्यूटर जो पाया जाऊगा तो इन्हों जिहड़ा सारा डाटा है वो इत्थे आ जाऊगा। सो यही साडा मकसद है कि व्यापारी नूं घट तो घट खज्जल खुआरी होवे, ते जिहड़ी चीज़ पहलां परमिशन मिलने च लगभग अठ अठ दस दस साल साल भी लग जाता सी वो इन्हों पंद्रह भी दिन मिल जाए, छेती अपनी फैक्टरी शुरू करन, इन्हों का भी पैसा जिहड़ा उहदा ब्याज बचे ते छेती छेती लोगों नूं काम भी मिले, फैक्टरी चल पे। सो ये बड़ी अच्छी पहल इन्हों लोगों वालों व्यापारियों वालों मनिया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबा सरकार का साल 2047 का विजन दस्तावेज जारी किया। इस दस्तावेज को प्रगतिशील खुशहाल पंजाब लई रूपरेखा दसिया। अपने दफ्तर में सादे पर प्रभावशाली समागम दौरान दस्तावेज जारी करदिया मुख्यमंत्री ने सूबे की आर्थिकता और वित्तीय सेहत को मुड़ सुरजीत करने लई फौरी लोड़ ते जोर दिता। उन्हें कहा कि यह दस्तावेज भारत की आजादी के 100वें साल पूरे होने ते सूबे के सर्वपक्षी विकास की उम्मीद बंद है। उन्हें कहा कि इस दस्तावेज में 9 विभागी सैक्शन 16 समाजिक आर्थिक सूचक आधारित सब सैक्शन शामिल ने, जिस विच मौजूदा स्थिति सूबे नूं दरपेश मुख चुनौतियां अते इन्हां चुनौतियों दूर करने लई थोड़े चिरी अते लंबे म्याद दीआं रणनीतियां उलीकियां गईआं ने। भगवंत मान ने कहा कि दस्तावेज अनुसार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2030 तक सालाना 7.5% 2047 तक 10% हासिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार क्रमवार साल 2030 2047 तक इस दस्तावेज में निर्धारित टीचों हासिल करने यत्नशील है। सूबे के नौजवानों लिए रोज़गार के वो मौके पैदा करने वास्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों उत्ते चलाई जा रही मुहिम तहत पंजाब के रोज़गार उत्पत्ति हुनर विकास और सिखलाई विभाग वालों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग न मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर हुशियारपुर में 2 रोज़ा अप्रेंटिसशिप प्लेसमेंट मुहिम का आयोजन किया गया। मारुति सुजुकी इंडिया ने अप्रेंटिसशिप लई 44 ITI पास योग उम्मीदवारों की चोण कर ली है। इन्हां 44 उम्मीदवारों नूं वोकक ट्रेडा विच एक साल की अप्रेंटिसशिप लई चुनिया गया। एक साल की अप्रेंटिसशिप पूरी होने तो बाद इन्हां 44 उम्मीदवारों लई बहुकौमी मारुति सुजुकी कंपनी में रेगुलर नौकरी करने वास्ते अपलाई करने का राह पद्धरा होगा। पंजाब के रोज़गार उत्पत्ति हुनर विकास और सिखलाई मंत्री अमन अरोड़ा ने चुने गए उम्मीदवारों उन्होंने सुनहरी भविख लई बधाई दी है। जंडियाला गुरु विखे बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सरकारी बसा रोक के सवारियां बिठाइया ते अधिकारियों नूं निर्देश दिए कि कोई भी बस जंडियाला गुरु विखे बिना रुके ना लंघे। इस दे नाल ही उन्होंने मेन GT रोड उत्ते खड़े पानी के निकास लई अधिकारियों नूं बणदियां हदायतां जारी कीतियां। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भ्रष्टाचार मामले में मुड़ मोहाली विजिलेंस भवन पहुंची और जांच में शामिल हुए। चन्नी अज सवेरे तकरीबन 10:30 मोहाली स्थित विजिलेंस भवन पहुंच गए। दस दिए कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने चरणजीत सिंह चन्नी को भ्रष्टाचार और आमदन तो वध जायदाद मामले की तफ्तीश में शामिल होने लई 13 जून को मुड़ सद्या से। ब्यूरो के रोपड़ यूनिट ने पिछले कई महीनों तो सबका मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार और आमदन तो वध जायदाद के मामलों की जांच आरंभी हुई है। भारत पाकिस्तान सरहद उत्ते हुंदी नशे की तस्करी उत्ते ठल पाउण लई विलेज डिफेंस कमेटी नूं होर मजबूत करन लई BSF दे अधिकारियों वल्लों सरहदी पिंडां दे लोकां नूं जागरूक करन लई पुलिस प्रशासन BSF दे अधिकारियों अते पिंड वासियों दी अहम बैठक पिंड राणियां विच कीती गई, जिस विच DIG नरेंद्र भार्गव, DIG गौहर, SSP देहाती सतेंद्र सिंह पहुंचे।
उन्होंने विलेज डिफेंस कमेटी होर मजबूत करने प्रेरित किया। राजपाल पंजाब वालों इनामों के ऐलान बाबत भी दसिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नशा तस्करों की इतलाह देगा उसने 1,00,000 रुपए की राशि दे के सम्मानित किया जाएगा। इस उन्होंने कहा कि पिंडा दंचायत नशा तस्कर खिलाफ सहयोग दे। उन्हें कहा कि पहले नंबर उत्ते आई पंचायत को 3,00,000, दूजे नंबर से आई न 2,00,000, तीजे नंबर उत्ते आने वाली पंचायत को 1,00,000 रुपए की राशि दे के सम्मानित किया जाएगा। इनाम की घोषणा की माननीय राज्यपाल ने, उन्होंने कहा कि जिहड़ी भी डिफेंस कमेटी नंबर 1 की होगी जिले उन्होंने 3,00,000 रुपए, जिहड़ी नंबर 2 से होगी उन्होंने 2,00,000 रुपए, जिहड़ी नंबर 3 से होगी उन्होंने 1,00,000 रुपए, वो भी इनाम थोनों मिलना। पर इनाम तो भी ज्यादा मैं थोड़े को तवज्जो रखूंगा कि असी उस जज्बे नाल, जिस जज्बे नाल असी सिर उच्चा करके छाती चौड़ी करके सारी दुनिया में जाने जाने हैं, उस जज्बे के तहत काम करिए। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन जसप्रीत सिंह करमसर ने कहा कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गर्मी दी छुट्टियों में बच्चों लिए लगाए कैंपा नूं भरमा हुंगारा मिल रहा है। तो इस बार 9,000 तो वध बच्चे ने कैंपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अज डेरा बाबा करम सिंह यमुना पार दिल्ली में गुरमत कैंप का निरीक्षण किया। इस मौके बच्चों गुरमुखी के मार्शल आर्ट गतके की भी सिक्ख्या दी जा रही थी। करमसर ने बच्चों की हौसला अफजाई की। इस मौके उन्होंने इस कैंप को लगाने में सहयोगी संस्था गुरबाणी प्रचार सोसायटी के अहुदेदारों का भी धन्यवाद किया। जमुना पार पहुँच के इन्ना मन खुश होया कि साड़ी सिक्खी दियां जड़ां नूं मजबूत करने वास्ते, सिक्खी नूं संभालण वास्ते, नवी पनीरी नूं संभालण वास्ते जो इस कैंप दे विच काफ़ी सालों तो उपराले चल रहे हैं, वो तो सारी दिल्ली नूं ते सारे, मैं तो कहना सारिया सिखां नूं सेध लैनी चाहीदी है। ज्ञानी हरपाल सिंह जी, वीर जसविंदर सिंह जी जो इत्थे, और बाबा जी इतों की जो ये कैंप किन्ने टाइम तो सजा रहे हैं, मैं देखिया बच्चे छोटी उम्र तो लैके 60 साल की उम्र तक के सिख्यार्थियों के भी अच्छ सू दर्शन होए ने, मन खुश हो गया। इस तरीके असी आप पूरी दिल्ली के इंप्लीमेंट करने की कोशिश करा, जिद के पूरी दिल्ली के आप बच्चों दस सकी, बजुर्गों दस सकी, जो थोड़ी उम्र निकल भी गई है ना तो आप फिर भी अपनी रेंदी उम्र में भी किस तरह संवार सकते हैं। गुरमत कैंपा के जाके गुरुद्वारों में जाके आप सिख्यार्थी बन के किमें जाना वो असी इस कैंप के आके देखा। दिल्ली गुरुद्वारा नंदमन कमेटी का धर्म प्रचार कमेटी का उपराला बहुत वधिया है। जो दिल्ली के कैंप लग रहे हैं उन्होंने सारे कैंपा विस्तारता लियाण के लिए इन्होंने इस बार बड़े वधिया लिटरेचर तैयार किया। ये जिहड़ा कैंप जिथे तुसीं हुण इस टाइम खड़े हो पिछले 21 साल तो गुरबाणी प्रचार सोसायटी वालों लगाया जा रहा है। तो दिल्ली कमेटी ने साढ़े को भी इतने पहुँच के साडे बच्चों को हौसला अफजाई दी, प्रबंधकों को दी है। एक बहुत वधिया उपराला दिल्ली कमेटी का जिस दे नाल सारी दिल्ली के जिहड़े कैंप ने वो एक सारता दे विच सिलेबस दे विच आ के गुरमत की जिहड़ी सिख्या है वो बच्चों के नाल सांझी कर रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा। मतवाजी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब भाई ध्यान सिंह मंडल ने श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं 2 पन्नियां की चिट्ठी लिख के कौमी पंथक एकता लिए हथ वधाया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि गुरु पंथ ने साडे उत्ते जिम्मेवारियां पा के कुछ आसां भी रखी हुई ने, पर दिनों दिन पंथ की निगर की हालत वेख के कौम पीड़ा महसूस कर रही है। भाई ध्यान सिंह मंडल ने अगे लिखे कि कौम विचों आवाजा उठ रही ने, इसलिए पंथ के वडेरे हितों ते कौमी मसलों के मद्देनज़र एक कौमी एजेंडे की लोड़ है जिसनों आधार बना के कौम एकजुट हो सके, परंतु इस तो पहला साडा जुड़ के बैठना कौम में एक नवी रूह और जज्बा जगाएगा। उन्होंने जथेदार साहब को अपील की कि बिना किसी देरी तो श्री अकाल तख्त साहब उत्ते जुड़ बैठने का समा तय करो। मैं नमाणा जिहा तुहाडा सेवक हाँ, अज मैं पहलकदमी कर रहा कि एकता किवें होवे। गुरबाणी का फरमान है, दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कंढे कच्चिया। मैनू सरबत खालसा ने सेवा बख्शी है, दूसरे पासे एस जी पी सी ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार की सेवा बख्शी है। 6 जून को जिहड़े साडे संदेश सीगे दोवां दे, उन्हां दा भी ते मेरा भी, वो एक गल सांझी करदे सी कि सानूं श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते इकट्ठे हो के अपने मतभेद भुला के सानू लड़ाई लड़नी चाहिए है।
असी दुश्मन दे नाल लड़न दे समर्थ बना गए। सो वो जिहड़ी एकता की गल चली देश विदेश दे विच्चों मैनू बहुत संगतां दे फोन आए, उन्हां नूं भी आए होणगे, और बुद्धिजीवी वर्ग ने, लेखक वर्ग ने, पंथ दर्दी जिहड़े साढ़े सिख ने, उन्हां ने मैनू कहा कि क्यों नहीं तुसीं अकाल तख्त साहब दे दो दो जथेदार बने हुए सारिआं नूं नज़र आउंदे हो, तुसीं एकता दी गल क्यों नहीं करदे, तुसीं इकट्ठे क्यों नहीं हुंदे। तो वो जिहड़ी गल सी, जिहड़ी लोकां दी आवाज़ सी, वो मेरे दिल तक वह गई। मैं पूरी सोच विचार की, अपने संगी साथियों नाल गल भी की, ते उस तो बाद जिहड़े नतीजे ते मैं पहुँचिया वो नतीजा यह है कि मैं अपने वल्लों सत्कारयोग ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्हां नूं जो मेरे रुतबे दे उत्ते ने उन्हां नूं मैं एक चिट्ठी लिख रहा हां। पहल प्रथमे एक कौमी एजेंडे की लोड़ है जिस नूं आधार बना के कौम एकजुट हो सके, परंतु इस तो पहला साडा जुड़ के बैठना कौम विच एक नवी रूह अते जज्बा जगाएगा जिस नाल सिख पंथ विच एक बार जरवाणियां दियां चालां नूं नकार दियां कौम दे उजले भविख वल कमर कसे करेगा। दास ने पहलकदमी करदियां आप जी नूं सद्दा दिता है, हुण तुहाडी वारी है कि पंथ हितां दे मद्देनज़र हां पक्षी हंगारा भरदियां बिना किसी देरी तो अकाल तख्त साहब ते जुड़ बैठन दा समां तय करो। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में लैके हस्पताल में इलाज लई भर्ती करवा दिता है। डल्लेवाल कई दिनों तो पटियाला पावरकॉम के दफ्तर मूहरे धरना लगा के भुख हड़ताल उत्ते बैठ गए सन। किसानों उत्ते पुलिस वालों की गई इस कार्रवाई के रोस वजों जिला अमृतसर के भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के जिला प्रधान करमजीत सिंह नंगली की अगवाई में डल्लेवाल की रिहाई लई मंग नूं लैके धरना दिता गया, जिस दौरान थाना कथू नंगल की पुलिस वालों धरना दे रहे किसान आगुआ ते किसान मजदूरों नूं गिरफ्तार किया गया। थाना कथू नंगल के अधिकारियों नाल पत्रकार ने गलबात करनी चाहिए तो पुलिस अधिकारियों वालों किसी भी तरह की जानकारी देने तो इनकार कर दिया गया। दूजे पासे किसान आगू ने कहा कि पुलिस प्रशासन वालों साढ़े किसानों गिरफ़्तार किया गया है, जेकर उन्होंने रिहा न किया गया तो साढ़े वालों संघर्ष होर तेज किया जाएगा। पंजाब सरकार वालों पंजाब भर में सीनियर मेडिकल अफसर के तबादलों तो बाद अमृतसर के सिविल अस्पताल अंदर भी सीनियर मेडिकल अफसर राजू चौहान जो पिछले काफ़ी समय तो सेवावान दे रहे सन का तबादला कर दिया गया, जिस तो बाद हुण डॉक्टर मदन मोहन मित्तल ने सीनियर मेडिकल अफसर वजों अहुदा संभाले, जिस तो बाद गलबात करदिया मदन मोहन मित्तल ने कहा कि सरकार के आदेशों मुताबिक उन्हां वालों सीनियर मेडिकल अफसर वजों अहुदा संभाले गए ते हस्पताल अंदर लोगों को बनदियां सेहत सहूलतां दित्तियां जाणगियां। मैं डॉक्टर मदन मोहन SMO सिविल अस्पताल अमृतसर, मैं अज ही पंजाब सरकार के हुक्म मुताबक सिविल अस्पताल अमृतसर का चार्ज संभाल लिया, तो मैं अपने अज पहले जिहड़ा चार्ज संभालने बाद मीडिया नूं मैं कहना चाहना वा कि सब तो मेरी प्रायोरिटी है कि करप्शन फ्री इनवायरमेंट होएगा, करप्शन जिहड़ी है वह बर्दाश्त नहीं होएगी। इहदे नाल नाल ही जो मरीजों की जिहड़ी पहल है कि मरीजों को जो मैडिकल सहूलत साढ़े वालों दित्तियां जाणियां ने वो मैं इंश्योर करांगा कि उन्हां जिहड़ियां सहूलत हैगियां ने पूरियां सहूलत प्रवान कीतियां जाण, किस तरह की भी कोई अणगहली ना होवे। सरकार तुहाडे द्वार स्कीम तहत गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल बरड़वाल धूरी विखे पंजाब सरकार वालों कैंप लगाया गया, जिस विच बिजली के खपतकारां दीआं मुश्किलां सुनिया गई। इस मौके पर बिजली बोर्ड के अधिकारी हाजिर रहे। मार्केट कमेटी धूरी के चेयरमैन राजवंत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार बनी नूं थोड़ा समय ही होया पर उन्होंने काम बोलन लगे ने। उन्होंने कहा कि सरकार तुहाडे द्वार तहत कैंप लगाया गया जिसनों भारी हुंगारा मिले। धूरी विखे पंजाब राज बिजली बोर्ड वालों जो कैंप लगाया गया उहदे विच इलाके दे जिन्नियां मुश्किलां ने लोगों दियां उन्हां दा निपटारा जिथे होगा
ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 6 ਕਿਲੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ SSP ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਨਕੋਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਗੇਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਚਿੱਟੀ ਬੇਈ ਦੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੋਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸਮੇਤ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ SHO ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੂਟ ਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਿਆਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੱਥੇ 3 ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਹੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ NDPS ਦੇ ਹੀ ਦਰਜ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ 68F ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੋਹ ਦੇ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 1 ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ 2 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਉਂਦ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀਵੋ ਫੋਨ, 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਲੁੱਟ ਦੇ 2,06,000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। SSP ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ 29/5 ਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 1,80,000 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ 1 ਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 5 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਹੁਣ 3,86,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। 1,80,000 ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਜੁਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੁਲਕਾ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਤਾ,
ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਸਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਆਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹਾ ਜੋ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵੈਲਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਨਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਵੈਲਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵੈਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਵੈਲਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਂਦਾਨ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ 12 ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲੇਟਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।